जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से पूर्व में चयनित नीर निर्मल परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों से चयनित लोगों को जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया, जिसमें कुल 50 लोगों ने जल की शुद्धता को लेकर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की शपथ भी लिया। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी प्रेमनाथ यादव, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम सिकंदर अली, यूनिसेफ के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार तथा मास्टर ट्रेनर पंचायती राज विभाग ब्रिजेश नाथ तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रत्येक जल स्रोत की जांच किस प्रकार उनको करनी है, जिसके लिए उनको टेस्टिंग किट भी दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल निगम के अभियंता सिकंदर अली, यूनिसेफ के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार और ट्रेनर पंचायती राज ब्रिजेश तिवारी ने कहा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मल परियोजना या छाती ग्राम पंचायत से आए हुए हमारे महोदय उपस्थित हो चुके हैं, साथ में जल निगम के दो विकास खंडों के परमाणी खंड विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। तो हम महोदय अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो प्रशिक्षण किट वितरण का कार्यक्रम है, इसमें केवल जो विश्व बैंक परियोजना से आच्छादित वाटर टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, इसके विषय में इनको यहाँ प्रशिक्षित करने के पश्चात ये अपने गांव में जाएंगे और जल जांच का ये पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो इसी क्रम में हम अनुरोध करते हैं आदरणीय यूनिसेफ के हमारे प्रतिनिधि कमलेश पांडे जी को कि इस जल जीवन मिशन में आशा एवं आंगनबाड़ी और समूह की महिलाओं का क्या रोल होगा, अवगत कराने का कष्ट करें। यूनिसेफ की तरफ से जल जीवन मिशन में आप सभी लोगों को गांव में जाना है, अभी आप लोग को ये किट वितरण होगा और आपको गांव में जाके कि सारे लोगों को शुद्ध जल मिले और उसका क्या क्या मानक होना चाहिए वो हमारे धर्मेंद्र जी द्वारा अभी आपको बताया जाएगा। आपको एक किट दी जाएगी और किट में हर घर जाके आपको वहाँ जहाँ भी पानी जो भी हैंडपंप है जो भी स्रोत है जो जल के स्रोत है उसको चेक करना है और उसमें क्या कमियाँ हैं, गाँव वालों के साथ उनके घर के लोगों के साथ आपको बताना है क्या क्या चीज़ क्या पानी को पी सकते हैं क्या नहीं पी सकते हैं। तो बताना जो पेयजल है ये हमारे स्वास्थ्य का 70% 60-70% डिपेंडेंसी इसी के ऊपर रहती है। जो बीमारियां होती हैं तो 60-70% बीमारी दूषित जल से ही होती है, पेयजल से होती है। आप इस बात को सहमत हो या ना हो, जानकारी है आप सभी लोगों को, डायरिया हो गई, डायरिया से तमाम तरह की बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया या प्रदूषित जल है तो तमाम तरह के किडनी इत्यादि पर जो असर डालता है, डाइजेशन सिस्टम सब पे। तो ये जो आवरण बाड़ी या आशा कार्यकर्ती और ये ENM है ये लोग पूरी अच्छी तरह से जानती हैं और इसके सबसे ज़्यादा शिकार हमारे यहाँ बच्चे और महिलाएँ होती हैं। यूनिसेफ बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पाचन शक्ति और सब थोड़ा सा अभी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती तो वो बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं दूषित पेयजल का इस्तेमाल करने से। तो हमारा सरकार का सबका उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे और महिलाएं हों या हम सभी लोग स्वस्थ हों, उसके लिए उसके उपचार के लिए आप यूनिसेफ के माध्यम से जल की पेयजल की गुणवत्ता के स्रोतों की पहचान करें कौन अच्छा स्रोत है कौन खराब स्रोत है, उसके लिए जो उसमें तमाम पैरामीटर्स हैं पेयजल से संबंधित, कहीं आर्सेनिक की अधिकता है, कहीं क्लोराइड की है और आयरन की है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं, TDS की है, कई बार डिजिटल फैक्टर हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिसेफ द्वारा किट वितरण किया जाएगा उसमें वो किट है, जैसे आप देखे होंगे कोरोना में दो तरह की जांच होती है, एक किट से जांच होती है जिसको एंटीजन टेस्ट किट बोलते हैं
और दूसरी जांच होती थी जो लेबोरेटरी में होती थी आरटीपीसीआर, उसी तरह से है कि इस किट का इस्तेमाल करके हम गांव में जितने भी हैंडपंप है सरकारी इंडिया भर का है, आप प्राइवेट का भी आप कर सकते हैं, हम लोग बिना प्राइवेट का भी आप करिए और उनको वार्न करना कि देखिए ये जल है, इसमें यह स्थिति है, ये पैरामीटर है, आपका ये पानी पीने लायक नहीं है इन इन कारण से। जब हम लेबोरेटरी में अपना खून टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है कि शुगर का लेवल कितना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, तमाम चीज उसमें आती है ना। तो जब हम बीमारी के बारे में जान जाते हैं तभी हम उसका उपचार करते हैं, नहीं तो पता चला कि हम बीमारी के बारे में नहीं जाने और हमारी शरीर बीमारी से इतनी काफी ग्रस्त हो गई कि हमारे शरीर बर्बाद हो चुकी है। एक हादसा होता लोग कहते हैं तो अच्छे भले खाते थे, कोई बीमार नहीं थे, ऐसा नहीं था। अगर उनका इलाज पहले से हुआ होता तो आप शायद रोटी नहीं देना पड़ता। तो इसी तरह से जब हम जिनके प्राइवेट नल का भी इंडिया मार्ग का नल का जब हम जांच करेंगे ना, और आपके साथ में एक मिनरल वाटर वाला बोतल ले लें या कोई टंकी वाला पानी वाला देख लीजिएगा, दोनों के फाइंडिंग में अलग अलग अंतर आएगा, तो लगेगा कि इसका वाला पानी खराब हुआ दिखाएगा। तो जब हम आप उनको सेंसिटाइज करेंगे जो जो इस पानी को पी रहे हैं, धीरे धीरे उनमें पेयजल के प्रति जागरूकता होगी, तो जो ये बीमारियां हैं उल्टी दस्त तमाम तरह के पेट की बीमारियां उससे फिर कमजोर हो जाती है, तो और बीमारियां बढ़ जाती हैं, तमाम डिफिशेंसी आ जाती है बॉडी में, यह इससे हम मुक्ति पा लेंगे। ये तराई फील्ड में हमारा जो जल स्रोत है नीचे वाला ग्राउंड वाटर ये ज्यादा प्रदूषित है, और हम लोग गांव में 30-40 फुट स्टेटा वाला हैंडपंप का पानी पीते ये भी खराब। तो ये जो आज टेस्ट किट मिलेगा इसका जितने भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो टेस्ट किट वितरण होगा हम सारे लोग संकल्प लेंगे, मैं उसके बाद आऊंगा तो हम लोग सभी लोग संकल्प लेंगे, सभी लोग और आ जाते हैं तब तक होने करवा रहे हैं, संकल्प लिया जाएगा कि हम कुछ जो दायित्व तो दिया गया उसका हम सब प्रसन्न निर्वहन करेंगे। तो इसका है कि सबसे पहले निर्मल परियोजना के अंतर्गत जो 29 ग्राम चयनित थे उसमें जो शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसकी जो है इस किट से जांच की जाए और उसके निराकरण करें, और भी जो भी व्यवस्थाएं होगी वो किया जाएगा जो है। किट वितरण किया गया सर? हाँ, किट वितरण किया जा रहा है, 50 किट है, इसमें जो है 11 पैरामीटर की किट है, इसमें जो है आर्सेनिक क्लोराइड क्लोरीन नाइट्रेट और भी टोटल हार्डनेस पीएच ये सब जो है टेस्ट करके जो है वहीं जो इसकी सीमा जो है पता चल जाएगी ये असुरक्षित है कि सुरक्षित है। मैं धर्मेंद्र कुमार प्रतिनिधि यूनिसेफ उत्तर प्रदेश, इसमें जो जनपद गोरखपुर में निर्मल परियोजना से आच्छादित जो 31 ग्राम पंचायत है उसमें से 50 प्रतिभागियों को चयनित किया गया है, जिसमें आशा एनम आंगनबाड़ी समूह की महिला और हमारे पेयजल स्वच्छता समिति के जो सदस्य हैं ये 50 प्रतिभागियों में सबको शामिल किया गया है, जिसमें जो जनपद गोरखपुर के ये 1394 ग्राम पंचायत हैं सभी ग्राम पंचायतों में जल गुणवत्ता जांच के लिए EFTK उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत में वितरित किया जा रहा है, और इसमें 11 पैरामीटर हैं जिसमें आर्सेनिक फ्लोराइड क्लोरीन क्लोराइड टर्बिडिटी हार्डनेस पीएच मान बैक्टीरिया आयरन अल्कानिटी और जीवाणु परीक्षण ये लोग करेंगे, और जो हमारे जन समुदाय में जो दूषित पानी है जिससे जल जनित बीमारी हो रही है जिसमें जैसे उल्टी दस्त डायरिया डेंगू पीलिया अन्य तरह की जो बीमारी है इससे बचाने के लिए जो हमारे आशा बहने हैं एनम और भी जो समूह से जुड़े हैं जल जनित बीमारियों के प्रति भी ये जागरूक करेंगे कि अगर हम शुद्ध पानी पियेंगे उसके रख रखाव सही ढंग से करेंगे और समय समय से पानी का जांच होता रहेगा
तो हम बीमारी से मुक्ति पाएंगे। और जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है हर घर से नल जल को जोड़ना, तो ये जो प्रतिभागी आए हुए हैं इनके गांव में पूर्व से ही ये पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन अब अन्य ग्राम पंचायतों में जो बनने जा रही है वो ये भी जाके अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आपके घर अगर पानी की टंकी लगी हुई है गाँव में तो कनेक्शन नहीं लगा है तो आप भी लगवाएं और शुद्ध पानी पिए और पानी का रख रखाव भी सही ढंग से करें ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। उससे जल जीवन मिशन के तहत जल निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से यह पूरा प्रशिक्षण जल की शुद्धता के लिए जो हमारे निर्मल परियोजना से आच्छादित गाँव थे प्रथम चरण में उन गांवों को लिया जाएगा और उसमें हमारे ये मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो गांव के हर जल स्रोत को चेक करेंगे। इनके लिए इनको किट भी दिया गया है कि गांव की पानी जो हमारा है कितना शुद्ध है और क्या हमें पीने योग्य है कि नहीं है। इस पर पूरी एक कार्यशाला आज दिन भर की है, हमारे इस यूनिसेफ के भी सहयोगी इसमें हैं और उन्हीं के सौजन्य से पूरा प्रशिक्षण आयोजित है। चूँकि गाँव में पेयजल की शुद्धता का सबसे बड़ा चैलेंज है और हमें इस पर काम करना है और हमारे जो 1200 जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं अब हर घर नल से जल की व्यवस्था इस योजना में है, इसलिए शुद्धता और गांव में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह पूरा प्रशिक्षण आज चलेगा।